स्वागत है आपका ससी के किचन में। आइए आज हम बनाते हैं शकरकंद का हलवा। ये शकरकंद मैंने कुकर में एक सीटी आने तक बॉईल किया हुआ है। कुकर में मैंने बिना पानी डाले हल्का सा घी लगाकर इसको बॉईल किया है और एक सीटी पर ही गला लिया है इसको और छील कर इसको रखा हुआ है मैंने। अब हम इसको कद्दूकस से क्रश करेंगे। इसको मसल कर नहीं बनाएंगे ताकि नहीं तो इसमें गांठें रह जाएंगी, इसलिए हम इसको इस तरीके कद्दूकस से क्रश कर लेंगे। सर्दियों में शकरकंद बहुत ही फायदेमंद होती है, ये किसी भी रूप में खाई जाए। शकरकंद हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है, मगर बच्चों को ये शकरकंद पसंद नहीं आती है। ये देखिए इस तरीके हमने इसको अच्छे से क्रश कर लिया हुआ है। अब देखिए गैस पे मैंने एक कढ़ाई रखी है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच देसी घी और घी पिघलने तक इसको गरम करेंगे। जब घी हमारा पिघल जाएगा तो इसमें हम शकरकंद डालकर अच्छे से भून लेंगे। देखिए इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे, नहीं तो ये नीचे से जलने लगेगा। शकरकंद हमारी बॉयल की हुई है, इसलिए हमको इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनने की ज़रूरत है, सिर्फ 2 मिनट ही इसको भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे 1 कटोरी चीनी और चीनी पिघलने तक इसको चलाते रहेंगे। बच्चों को शकरकंद अगर इस तरीके हलवा बना कर दिया जाए तो वह आसानी से खा लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा। ये देखिए चीनी हमारी पिघल चुकी है अच्छे से। अब इसको लगातार चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे जलने लगेगा। और इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखिए चाशनी हमारी गाढ़ी हो चुकी है, ये साइड से हमारा हलवा बिल्कुल छूटने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और एक प्लेट में इस तरीके घी लगाकर इसको इसमें पलटकर जब ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये देखिए इस प्लेट में मैंने पलट दिया है। अब इसमें हमने कद्दूकस किया हुआ नारियल डालकर इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये अच्छे से बिल्कुल जम जाएगा 10 मिनट में ही, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है ये। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्री में सब्सक्राइब कीजिए ससी का किचन यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।